हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में ये चर्चा करेंगे कि ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट एज पर MS2 सेवेंथ एडिशन और मोस्ट फिफ्थ रिवीजन के हिसाब से कैसा निकाला जाता है। ये हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्लियर क्या प्रैक्टिस थी कि ओबीसी जो निकालने के लिए हम स्टेबिलिटी का पीक पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ एयर वेट 4% और मैक्सिमम यूनिट वेट मिड पॉइंट ऑफ फ्लो और मिनिमम बीएमए और मिड पॉइंट ऑफ बीएफपी, इसके हिसाब से हम लोग फिर एक एवरेज निकाल लेते थे वही ओबीसी। फिर उसके बाद बिटमन कंटेंट की हम लोग एक चार्ट स्ट्रिप बनाते थे और उसमें हम लोग ये देखते थे कि बिटमन कंटेंट वो सारे रेंज में फिक्स हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी MS2 सेवेंथ एडिशन में और मोस्ट फिफ्थ रिवीजन में उन लोग ने रिकमेंड किया है कि ऑप्टिमम बाइंडेड कंटेंट 4% एयर वैट्स पे निकालना चाहिए और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो 4% एयर वैट्स से जो ओबीसी आ रही है या बाइंडर कंटेंट आ रहा है वो स्पेसिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट में मैच करता है कि नहीं। और बिटमन कंटेंट मिक्स में इतना होना चाहिए कि कम से कम उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए जिससे कि पेमेंट की लाइफ जो है वो बढ़ जाए। स्पेशल एज पर मोस्ट फिफ्थ रिवीजन, अब पीसी की ग्रेडिंग है जिसमें ग्रेडिंग वन है थिकनेस 50 mm होगी तो मोस्ट स्पेसिफिकेशन में मिनिमम बाइंडर कंटेंट 5.2 दिया गया है और अगर ग्रेडिंग 2 है मतलब थिकनेस 30 से 40 mm है तो मिनिमम बाइंडर कंटेंट 5.4% जो कि मोस्ट में स्पेसिफाइड है। लेकिन ये सभी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बेस्ड हैं और अगर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज्यादा है तब हम उसका बिटमन कंटेंट घटा सकते हैं बेस्ड ऑन 4% एयर वैट्स। मान लीजिए कि अगर हम बीसी का डिजाइन ग्रेड 1 का कर रहे हैं और 4% एयर वैट्स में ग्राफ से बिटमन कंटेंट 5 आ रहा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से कम है तब पर भी हमको मिनिमम बिटमन कंटेंट फॉलो करना पड़ेगा। आपको मिनिमम बिटमन कंटेंट 5.2 रखना ही पड़ेगा क्योंकि कोटल प्रोविजन है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज्यादा है तब आप जो एक्चुअल में 4% पे 5 आया है 5% बिटमन कंटेंट वो आप रख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो लेबोरेटरी में मिक्स डिजाइन होता है एयरवेट्स वो शायद ही साइट पे कभी होता हो, साइट पे वो आपको 5 से 8% मिलेगा और इसीलिए जो ये जो लिमिट है 5 से 8% ये पूरे वर्ल्ड में एयरवेट्स की रखी जाती है। ये माना जाता है कि जो 5 से 8% है वो घट के 4% आ जाएगा नेक्स्ट 1 से 2 साल में। अब प्रश्न है कि 4% ही क्यों है। अगर मान लीजिए हम 4% कम से ओबीसी 4% से कम एयरबैड्स पे ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमको रटिंग का चांस ज्यादा हो जाएगा और वीएफबी भी नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमने 3% रख लिया है और ट्रैफिक चलेगा तो 1 से 2 साल के अंदर या तो उसमें 1% वैट्स रह जाएगा या बिल्कुल ही वैट्स नहीं रहेगा। अगर वैट्स खत्म हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वैट्स ही नहीं है तो ट्रैफिक चलने में बिटमन सब ऊपर आ जाएगा और गर्मी में क्या होगा कि वो सॉफ्ट होके रटिंग हो जाएगा
और अगर उसी तरीके से अगर मान लीजिए 5% से ऊपर में करते हैं तो इतना उसमें वैट्स रहेगा कि उसमें एयर और पानी बहुत आराम से चला जाएगा, चाहे उसमें कितना भी ट्रैफिक चले। और उससे क्या होगा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं रहेगी और मॉइस्चर के कारण जो है उसमें पॉट होल हो जाएगा और पेवमेंट भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए 4% जो है एयर वैट्स वो आइडियल कंडीशन है। अभी अब हमने जो इतना डिस्कशन किया उससे कंक्लूजन क्या निकला कि हम 4% एयर वैट से कम भी नहीं जा सकते हैं और 5% से ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप जो ओबीसी 4 से 4.2 एयर वैट्स पे निकालिए, ये आइडियल कंसेंट आइडियल कंडीशन है। अब नया कंसेप्ट जो आया है उसमें जो डेंसिटी निकाली जाएगी वो जीएमएम का 92% निकाली जाएगी और यही कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में चलता है। लेकिन क्या है कि व्हाट इज जीएमएम, थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी क्या है? तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी 100% कंपैक्शन पे जो आती है वही थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी है। इसका मतलब उसके अंदर कोई वर्ड्स नहीं रहता है। अभी हम जिस दिन काम करेंगे उस दिन का हमको थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी निकालना पड़ेगा, उसका 92% जो है स्पेसिफाइड मोस्ट में किया गया है। लेकिन आइडियल कंडीशन ऑफ कंपैक्शन क्या है, आपको जीएमएम का 95 से 96% लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें 4 से 5% एयर वैट्स रहेगा और ये फ्यूचर में हमको रटिंग होने से बचाएगा, जो रटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।